लालपुर पुल बनाए जाने पर पूर्व मंत्री नवेद मियां ने सरकार का धन्यवाद किया, कहा कि स्थानीय लोगों को मिलेगी राहत। आपको बताते चलें, जनपद रामपुर में मीडिया को जारी बयान में पूर्व मंत्री नवेद मियां ने कहा कि लालपुर पुल बनने से स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि हम सरकार का धन्यवाद अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लोग परेशान थे। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा नेता आजम खान द्वारा ये पुल तोड़वाया गया था। उन्होंने कहा कि इस पुल को नहीं टूटना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इस पुल के टूटे होने से स्थानीय लोगों को बहुत परेशानी हुई थी। उन्होंने कहा कि अब भाजपा सरकार द्वारा पुल बनवा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को राहत मिली है। वहीं अब आइए सुनते हैं पूर्व मंत्री नवेद मियां और क्या कह रहे हैं। शासनकाल में टूटा था, वो तैयार हो गया, कितनी राहत उन लोगों को मिलेगी स्थानीय? बिल्कुल मिलेगी। सच्ची बात क्या है, हम तो कब से इंतजार कर रहे थे और वो टूटा ही गलत था, क्योंकि अगर नया भी पुल बनता है तो पुराना तोड़ा नहीं जाता। लेकिन वो तो हम लोग सब जानते हैं कि आजम वो सारा उसका मलबा सही है, गर्डर्स वर्डर्स अपनी यूनिवर्सिटी में चोरी करके ले जाना चाह रहा था, उसकी वजह से उसने तोड़ा था। लेकिन मैं बधाई देता हूँ वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार को, उन्होंने इसको कंप्लीट करके और ये पब्लिक के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो कितनी आबादी जुड़ी होगी मियां, कौन सा पुल था ये जी? ये कितनी आबादी इससे जुड़ी होगी लोगों कितनी? अरे बहुत, पूरी टांडे तहसील जुड़ी हुई है, टांडा तहसील जुड़ी हुई है, और बल्कि मुरादाबाद में जो जो एरिया है भगतपुर साइड के जितनी जो तहसील है वहाँ के गाँव के लोग आते हैं उसे यूज करते हैं। तो ये तो बहुत जरूरी था ये बनना। और टांडा तहसील को अपने जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उससे जोड़ना तो प्राथमिकता का काम है। तो मैं मुझे खुशी है, और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्होंने जो ये पुल बनाया और जिस तरीके से बनाया उससे लोगों को फ़ायदा होगा।